तिरहुत को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जो नया अपडेट है शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर से, प्रशांत किशोर ने भी पूरी ताकत लगा दी डॉक्टर विनायक गौतम के लिए पूरी ताकत लगा दी है। और यह एक ऐसा क्षेत्र है, देखिए प्रशांत किशोर को ऐसे भी समझिए कि प्रशांत किशोर भले उपचुनाव में हार गए हों, लेकिन जीत की शुरुआत कहां से हुई थी? उन्होंने जब जनसुराज पार्टी बनी भी नहीं थी, पदयात्रा ही चल रही थी, तो सबसे पहले सारण में एमएलसी का चुनाव जीता था अफाक अहमद को। इसका मतलब यह कि प्रशांत किशोर जो कैलकुलेशन है और जो टेक्निक है, इस दोनों को वह समझते हैं और वह कह रहे हैं कि देखिए हम उस इलाके में यह चुनाव लड़ रहे हैं जहां हमारी पदयात्रा हो चुकी है, जहां पंचायत स्तर तक कमेटियां बन चुकी हैं, बूथ कमेटी बन चुकी है, तो हम यहां जीत सकते हैं। प्रशांत किशोर को वहां पहुंचना जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां गांव के लोग हैं, वहां पहुंचने में परेशानी है। वहां प्रशांत किशोर क्या है, क्या विजन, यह समझाने में परेशानी है, लेकिन यह चुनाव है स्नातकों का, ग्रेजुएट का, तो उन्हें समझाने में परेशानी कम नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, तो वह समझा पा रहे हैं। वहाँ क्या अपडेट है, रवि सर भी बात कर रहे थे, रवि सर बताएंगे आपको। रवि जी, हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि आपने भी फोन घुमाया था तिरहुत में, आपको क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या है वहाँ पर वोटर्स का मन? जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम की बात कर रहे हैं, तो और देखिए वो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। जनसुराज से ठीक है, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद जीते थे, तो और अफाक अहमद किसको हराया था ये भी जरा जान लीजिए, केदारनाथ पांडे के बेटे को हराया था, तो वो उनकी एक पकड़ थी और वो सहानुभूति वह उपचुनाव में था कि उनके पुत्र हैं, तो वह भी तो सिंपैथी कार्ड सहानुभूति वो नहीं चला और जो है सो अफाक अहमद जनसुराज के जो प्रत्याशी थे वहां से जीत गए। तो यह एक बड़ी बात है, तो यह समझने वाली बात है कि टेक्निकली ये जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर विनायक गौतम, यह कहीं ना कहीं जनसुराज के उम्मीदवार बनने से थोड़ा सा साउंड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जनसुराज की जो बात हो रही है तो ये आम चुनाव नहीं है, ये स्नातक और शिक्षक, तो इसमें वोटर कौन है आपके, यह बात समझने वाली बात है। यह ग्रेजुएट स्नातक आपके हैं और टीचर है, टीचर ये ग्रेजुएट्स और टीचर, हाँ टीचर्स, ये दोनों वोट करेंगे क्योंकि वो जब ग्रेजुएट की बात है तो सर जितने टीचर पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, तो वो जनसुराज को निश्चित रूप से जानते हैं।